अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के, बहुत ही इजी पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे। ये आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं आलू ले लिए, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी, कद्दूकस कर लूँगी। ये मैंने बॉयल कर लिए हैं कटिंग करके, इस तरह से जल्दी बॉयल हो जाते हैं। इसको मैं निकाल के इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। इसी बाउल में मैं इसको कद्दूकस करूँगी। इससे ये होता है कि एक जैसे आलू मैश हो जाते हैं, कहीं से मोटे कहीं से ज़्यादा बारीक नहीं होते, इसके लिए ज़्यादा बारीक ही सही रहते हैं। इन सबको मैं ग्रेट कर लेती हूँ पहले। ने पोटैटो ग्रेट कर लिए हैं, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया 1/2 टीस्पून यूज़ करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, थ्री टेबल स्पून हम राइस फ्लोर यूज़ करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और एक टोस्ट ही बना लेते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें सफ़ेद जीरा डालेंगे साबुत। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। इसको डो फॉर्म में बना लेते हैं। मैंने डो फॉर्म में बना लिया है, इसकी मैंने स्टिक्स भी तैयार करनी शुरू कर दी है। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब थोड़ा सा ये पोर्शन पकड़ेंगे और इसका हम बना लेंगे स्टिक। इसकी स्टिक्स रेडी कर लेते हैं सारी। इस तरह से हम स्टिक्स रेडी कर लेते हैं सारी। आपने जो भी साइज़ रखना है आप रख सकती हैं, छोटे या बड़े, जिस तरह से आप स्टिक बनाना चाहती हैं आप बनाएं। कुछ मैं छोटी बना लेती हूँ, कुछ बड़ी बना लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी बना लेती हूँ। व्यूअर्स, हमने बना लिए स्टिक्स, ये देखिए इस तरह से सारी बना लिए। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये हमने एक पैन में घी गरम होने के लिए रखा हुआ है, इसको गरम होने देते हैं पहले। घी हमारा गरम हो गया है, आप एक एक पीस करके उठाएंगे एहतियात से और इसको बिल्कुल सीधा करके डालिएगा आप। इसी तरह से मैं डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टूट गया है इसलिए मैं कह रही हूँ एहतियात से डालिएगा इसको। अब इनके साइड चेंज करते हैं, एक तरफ से हल्का सा इसको पकने देंगे, साथ ही इसको मत हलाइएगा। एक तरफ से इसको पकने देते हैं 1 मिनट के लिए, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से हम इसको रोलिंग करेंगे ताकि एक जैसे ही हर तरफ से पक जाए। एहतियात से कीजिएगा, ऑयल बहुत गर्म होता है। इसको हम कलर आने तक पकाएंगे। ये देखिए, एक तरफ से इसको कलर आ चुका है, दूसरी साइड से इसको हम पका लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से कलर आ गया, इसको हम निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा क्रिस्पी सा, इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ। ये गरम गरम के ऊपर हम चाट मसाला थोड़ा सा लगाएंगे, इसको मिक्स करेंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पोटैटो स्नैक्स बहुत ही मज़े के बने हैं। फाइनल लुक देखिए कितने यमी लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोग मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इसको रमज़ान में भी ट्राई करेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।